Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. अगर आपको pigmentation है, melasma है या फिर किसी भी तरह के dark spots हैं, then this video is just for you. आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे तीन science-backed serums के बारे में जो medically proven है आपकी pigmentation को safely reduce करने में and at the same time आपकी overall skin की radiance को enhance करने में. इससे पहले कि ये products के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ. अगर आपको pigmentation है तो इन दो चीज़ों का ध्यान आप हमेशा रखें. सबसे पहली बात ये कि कभी भी जल्दी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आप ऐसे चीप क्वालिटी के क्रीम्स को रिजॉर्ट ना करें जिनमें पॉसिबली स्टेरॉइड्स या फिर हाइड्रोक्विनोन हो सकता है, क्योंकि इससे आपको टेम्प्रेरी रिजल्ट तो शायद बहुत जल्दी मिल जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती है, ना ही सिर्फ आपकी फेस पे लेकिन आपकी पूरी हेल्थ और हॉर्मोन्स पे भी. दूसरी बात ये कि अगर आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी स्टबन है और बहुत पुरानी है और आप उस पर जल्दी से वर्क करना चाहते हैं, देन इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया फॉर यू टू नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल एक्टिव इंग्रेडिएंट, बट इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई गोइंग फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टायरोसिनेज इनहिबिटर्स. जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट एक्टिव्स जो होते हैं जो हमारी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि अल्फा आर्बिटिन है, कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, एजिलैक एसिड है, इस तरह के बहुत सारे सेफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आज की डेट में है. तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन वन सेरम जिससे कोई एक पर्टिकुलर एक्टिव आपको मिल रहा है, उसकी जगह अगर आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टायरोसिनेज इनहिबिटर्स यूज करेंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी. Alright, so on that note, let's look at these products that in my opinion are the best in treating pigmentation. The first product is the 3% tranexamic acid serum by the brand Minimalist. अगर आपको PIE और PIH की problem है, then this one will really help you out because एक तो इसमें 3% tranexamic acid है जो कि melanin production को reduce करता है, साथ में इसमें थोड़ा सा mandelic acid भी है जो आपको एक gentle exfoliation के benefits देगा. Combination में ये product बहुत अच्छे से काम करेगा आपके dark spots पे. लेकिन एक बात इसके साथ आप जरूर ध्यान रखिए कि हर किसी को हमेशा ये suit नहीं करता है, तो अगर आपकी skin थोड़ी dry या sensitive side पे या फिर ब्रेकआउट्स वगैरह आपको ज्यादा होते हैं तो आपको ये एक्चुअली पैच टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि इट इज मेंट फॉर यू और नो. नाउ इफ इट डजंट सूट यू फॉर एनी रीजन बिकॉज इट कैन बी अ लिटिल ड्राइंग फॉर सम पीपल बिकॉज इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, इफ इट सूट्स यू ग्रेट, बट इफ इट डजंट देन नथिंग टू वरी बिकॉज वी हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल. द सेकंड प्रोडक्ट इज अ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट बाय द ब्रांड डर्माको एंड दिस इज देयर ट्रांसजेलिक पिगमेंटेशन करेक्टर सेरम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रेक डाउन द नेम फॉर यू. व्हाई हैव दे नेम्ड इट as transgelic serum? That's because it has a combination of tranexamic acid and azelaic acid. Now this one in my opinion is slightly better than the first one, and the reason that I say so is tranexamic तो वहाँ पे भी था लेकिन यहाँ पे आपको 3% tranexamic acid तो मिल ही रहा है जो कि जैसे मैंने बताया कि melanin production को reduce करता है, but साथ में आपको 10% azelaic acid भी मिलता है. तो azelaic acid basically help करता है inflamed skin को calm down करने में भी, और जिनकी skin पे acne आने की tendency रहती है उसको भी कंट्रोल में रखता है. कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्ने पिंपल्स होते हैं, एक्टिवली एक्ने पिंपल्स होते हैं, और जैसे जैसे एक्ने ठीक भी होते रहते हैं तो उनके निशान भी पीछे से रह जाते हैं. तो ऐसे में कई बार एक्टिव एक्ने जिनको होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अभी एक्ने को ट्रीट करें या उसके मार्क को ट्रीट करें. तो ऐसे में अगर आप एजिलैक यूज करेंगे तो वो एक्टिव एक्ने पे भी काम करता है और उसके डार्क स्पॉट्स पर भी काम करता है. नाउ दिस इज नॉट जस्ट इट बिकॉज इसमें उन्होंने अल्फा आर्बिटिन भी यूज करा है जो कि आप सब जानते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव टायरोसिनेज इनहिबिटर है. तो इसके साथ आपको अलग से अल्फा आर्बिटिन लेने की भी जरूरत नहीं है, और इसमें ककाडू प्लम भी है विच हैज एन अबंडेंस ऑफ विटामिन सी. सो बेसिकली इन वन सिंगल सेरम यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर डिफरेंट टायरोसिनेज इनहिबिटर्स: विटामिन सी, अल्फा आर्बिटिन, ट्रांसजेमिक एसिड, एजिलैक एसिड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड उसको बैलेंस करने के लिए इसमें उन्होंने बहुत सारे इमोलियंस, बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, नाइसिनमाइड और बहुत सारे स्किन सूदिंग और कूलिंग इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं जो कि एडिक्वेट मॉइस्चर रिटेंशन भी इंश्योर करेंगे, स्किन के बैरियर को भी सपोर्ट करेंगे, और ओवरऑल इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग योर पिगमेंटेशन इट विल मेक श्योर दैट इट इज नॉट ड्राइंग यू आउट. सो इट इज गोइंग टू मेंटेन द पीएच बैलेंस ऑफ योर स्किन एज वेल. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स मैटर नहीं करते, प्रोडक्ट का पूरा ओवरऑल जो डिलीवरी सिस्टम है वो भी मैटर करता है. इन दिस केस इस प्रोडक्ट का जो पूरा डिलीवरी सिस्टम है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, जो मेक श्योर करेगा कि इंग्रेडिएंट्स फास्टर पेनिट्रेट हो रहे हैं, सस्टेनेबल इफेक्ट दे रहे हैं और ओवरऑल फॉर्मूला को भी स्टेबलाइज करते हैं. ये एक ओपेक एयरलेस पंप पैकेजिंग में आता है जिससे प्रोडक्ट जल्दी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, और इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट जेल लाइक फॉर्मेट में दिया हुआ है जो कि लेस देन 30 सेकेंड्स में आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है.
रात के टाइम पे आपको अपना फेस वॉश करके इसकी एक थिन लेयर पूरे फेस पे लगा देनी है। अगर आप चाहें आप स्पॉट ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद 2 मिनट का इसको टाइम दीजिए, उसके बाद फॉलो इट अप विद अ गुड मॉइस्चराइजर और मॉर्निंग टाइम में सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप ना करें। फॉर द सनस्क्रीन यू कैन यूज द 1% हाइलुरोनिक एसिड लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन बाय डर्माको विच इज SPF 50 PA 4 times+। दिस विल गिव यू ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन। दिस इज अ वॉटर रेजिस्टेंट एंड स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन। ये आपको अप टू 6 आवर्स तक का एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन देती है, तो इसके साथ आपको रीएप्लीकेशन करने की भी कोई चिंता नहीं होगी। काफी अच्छे फिल्टर्स यूज करे गए हैं इसमें, बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल इसका टेक्सचर है, और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन या कॉम्बिनेशन है देन दिस सनस्क्रीन इज एवरीथिंग। प्लीज मेक श्योर कि आप इस प्रोडक्ट को रात में ही यूज करें, क्योंकि इसमें काफी सारे पोटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। मुझे पर्सनली ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आया बिकॉज मेरे हिसाब से ये एक मल्टी टास्क प्रोडक्ट है जिसमें मल्टीपल टायरोसिनेस इनहिबिटर्स आपको मिलते हैं, और ओवरऑल भी इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो 360 डिग्री पे आपके पिगमेंटेशन को टारगेट करती है, एट द सेम टाइम आपके बैरियर को डिस्टर्ब नहीं होने देती। बस आपको इसके साथ दो ही बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो इसे आपको रात को लगाना है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट्स, और दूसरी बात मॉर्निंग टाइम पे सनस्क्रीन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इफ यू वांट टू चेक आउट दीज प्रोडक्ट्स, तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज फील फ्री टू चेक देम आउट। और आपको ये बहुत इजीली मिल जाएंगे Amazon, Flipkart, Nykaa और Purple पे। आप चाहें तो आप इन्हें इनकी खुद की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, विच इज www.thedermaco.com। और अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज Meenakshi2024, बिकॉज दैट विल गिव यू एडिशनल 20% ऑफ। ऑल्सो अगर आप उनकी वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आप उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर पाएंगे उनके यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव में भी, जहां पे भूमि फाउंडेशन के साथ मिलके वो बच्चों को एजुकेट करते हैं। अभी तक उन्होंने 15,000 से ज्यादा बच्चों को हमारी कंट्री में एजुकेशन का एक्सेस देने में हेल्प किया है, सो आई थिंक वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट आर बिट टू इट। द थर्ड प्रोडक्ट इज द स्पॉटलेस सेरम बाय बायोक्यूल। इसमें आपको फाइटॉल, विटामिन सी और अल्फा अबिडिन तीनों मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। मैंने इसे पहले यूज किया हुआ है, इससे भी डार्क स्पॉट्स, टैनिंग बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। जस्ट दैट इसके साथ आप ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिए कि आज आपने लगाया और 10 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इसको थोड़ी पेशेंस के साथ यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट यू गाइस, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई डू होप दैट यू फाउंड इट टू बी यूजफुल। इफ यू डिड, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। It'll mean a lot to me. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.